तो एग्जाम्पल है इस फिजिकल पेंडुलम का, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, वो कहेगा एक रिंग है, रिंग आपने नेल के ऊपर टांग दी, इसको ऑसिलेट करवाया, इट इज अ फिजिकल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड बोलो क्या होगा, या ओमेगा बोलो क्या होगा, ओमेगा क्या फॉर्मूला एम जी डी बाई आई। अब जब आप रिंग को टांगोगे तो इसका ओ एक्सिस और सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस कितना है, आर, तो डी की जगह क्या पुट करेंगे, आर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब ये घूमेगी रिंग, इसका एक्सिस क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा, और ये क्या है, इसके अबाउट फॉर्मूला क्या होता है आई का, एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट क्या होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना, टू एम आर स्क्वायर, आंसर सही है। आई सारी गेम ही आई की है इसमें। जैसे सपोज करो एक रॉड है, आपने एक रॉड को यहां पर नेल से टांग दिया, अब इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं फिजिकल पेंडुलम, तो सेंटर ऑफ मास और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, तो डी कितना है, एल बाई टू, तो आई क्या है, इसके अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और टेंजेंट के अबाउट क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई 3 आंसर। सारी गेम ही आई की है, इसलिए ज्यादातर लोग एस एच एम की ये प्रॉब्लम डालते हैं, क्यों, इसमें दो कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, रोटेशनल मोशन का आई और एंगुलर एस एच एम का ओमेगा।